But जी अभिजान, क्या वो भूख लग रही है? वो मरियम आपा ने खाना आपका लाना था लेकिन पहुंचा नहीं सकी। मैं बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। बीजान बस 10 मिनट, अभी हो रहा है ना तैयार। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं आपको आपके जो खाने से पहले वाली दवाई है ना वो पिला देती हूँ। यस छक्का, शेर। वाह डरा दिया, शेर है। ओह गुड 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 गुड, ये ले बीजान। बीजान जरूरी है, डॉक्टर ने कहा है आपको दवाई चाहिए। मैं नई बोतल लाई थी आपकी दवाई की। साफ करना पड़ेगा। जी जी मैं करती हूँ अभी साफ। इतना सुर्ख कलर है। यस! एक और छक्का। आप जीतेंगे ही जीतेंगे। परी नहीं आई खाने को? बुलाया था मैंने उसे, कहने लगी मेरा खाना रख दीजिए मैं ठहर के खा लूंगी। तो ये तो बहुत ही बुरी आदत है, खाने के वक्त खाना खाना चाहिए और खाने के बाद ही बाकी ये काम करने चाहिए। वो ही तो, अब देखिए ना दोपहर के खाने के बाद इतना लंबा वक्फा आ जाता है और वो तो वैसे ही कमजोर है। बावर्ची खाने में जो कुछ बिखरेगा वो तो मैं सुबह देख लूंगी। असल बात तो फरी की सेहत की है ना। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जवान लड़की के मुंह लगेंगे। सही कह रही हो वैसे तुम। मैं सोची थी इस हफ्ते तबस्सुम नहीं आई, उसकी सास का मिजाज फिर बिगड़ गया। अगर आ भी जाती तो उसके पास एक ही किस्सा। तुम दोनों ने खाना खा लिया? जी अम्मी। तो फिर जाओ ब्रश करो, वजू करो, नमाज पढ़ो, मैं आती हूँ फिर। जाओ। क्या बात। इस बार मुझसे कह गई थी जब पिछले हफ्ते आई थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैं तो खामोश रही। आखिर घर तो आप बहन भाइयों का है ना, मैं कौन। ये क्या बात की तुमने, तुम्हारा हक है हर चीज पर, हर चीज तुम्हारे शौहर की है। ये तो आप सोचते हैं ना। खैर मैं भी क्या बेवक्त ये बातें लेके बैठ गई, ये आप लोगों के मामलात हैं, आप ही सुलझाएं। ये जो तुम औरतों वाली बात करती हो ना, आप लोगों का मामला है आप भी जाने, तो बराबर की चली को। देखिए ये घर आपके अब्बा जी का था जिसके दो हिस्से तो आपने किराए पे दे दिए हैं और तीसरे हिस्से में हम रहते हैं, तो मेरा हिस्सा कहाँ से आ गया? भाई अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए मैं किसी मामले में नहीं बोलती, मजाक मजाक में आप लोग दूसरों को खूब शर्मिंदा करते हैं। मैं तो वाकई मजाक कर रहा था, तुम तो संजीदा हो गए। चलो खाना खाओ। आपके मेहमानों के लिए बाजार से भी खाना आ सकता था।
इतनी गर्मी में सारी शाम गुजर गई मेरी बाबरची खाने में। अरे एक शाम ही तो थी, बाबरची खाने में ना गुजरती तो वैसे भी गुजर ही जाती, इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है? आप जानते तो हैं कि बीजान का आजकल मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है। मैं चाह रही थी कि उनकी पसंद का कुछ पकाकर उनके लिए ले जाऊं। ओहो, बीजान ना हुई मलका आलिया हो गई, इनका मिजाज बिगड़ गया, उनकी मुलाजमा खास उनके लिए कुछ खास पका के ले जाएंगी, है ना? वो सिर्फ मेरी बीजान नहीं है, जान है मेरी। हाँ, सज्जाद को तो उन्होंने टमाटर की टोकरी से उठाया था, उसका तो कोई फर्ज नहीं बनता। करता तो है बेचारा सब कुछ, और क्या करे, रहती तक उसके पास है। अच्छा, तो ये गम आपको खाया जा रहा है कि बीजान का खटोला यहाँ क्यों नहीं आ गया, है ना? आपको अंदाजा है कि आप किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? माँ है वो मेरी। हाँ तो रोज तो आप जाती है वहाँ पे, भाभी साहब आपकी 16 सिगार करके दफ्तर चले जाती है, माँ को तो आप ही संभाल रही है ना? तो क्या करूँ, बेटी हूँ ना, माँ के लिए मेरा ही दिल कुड़ता है। शाबाश है सज्जाद की अकल पे, अपनी बेगम को तो काम पे लगा दिया, एक हमारी बेगम है बस रोटियां पकाती है और भाग के अपनी माँ के पास चली जाती है। अरे अम्मा का रोग जो पाल लिया इन्होंने, हमारे हाथ क्या आया, न पैसा न घर का सुकून। रहने दें आप, सारे घर का काम करती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ, लेकिन आपको कोई खुशी नहीं होती, नजर नहीं आता आपको कुछ। और मेरा भाई कोई फकीर नहीं है, दुगना कमाता है वो तबस्सुम से, और तबस्सुम कमाती ही क्या है, जो 4% लेकर आती है अपने अलल्ले तल्लों में उड़ा देती है। यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं, उनका तो कोई हाल नहीं है, आप इसी तरह अगर रोज वहां जाएंगी तो यहाँ उल्लू बोलेंगे। उल्लू ही बोलते हैं यहाँ पर, आप सारा दिन दफ्तर में होते हैं और मैं सारे घर के कामकाज करके फारिग बैठी रहती हूँ। अरे ऐसे में 2 घड़ी अपनी अम्मा के यहाँ चली जाती हूँ तो क्या हो जाता है, क्या मजायका इसमें? कोई मजायका नहीं है, आप जाइए, हमने पहले कब कहा था कुछ अब बोलेंगे, हमारी मजाल ही कहाँ है। मजाल नहीं, सारा दिन तो बोलते रहते हैं, जो जी चाहता है कह लेते हैं, मजाल नहीं है कुछ कहने की। अरे बीजान ये क्यों उतार दिया आप, ये पहने ना। ये ले बीजान, बीजान आपको तो भूख लग रही थी ना, खा ले। तब वो क्या है यार? सज्जाद बीजान का मूड बहुत खराब लग रहा है, दोबारा खिला के देखो। क्या मुसीबत है यार, एक मैच देखना नसीब नहीं मुझे, दोस्त कह भी रहे थे रेस्टोरेंट में जाके देखते। सज्जाद मेरा ख्याल है मरियम आपा को बुला रही है, उन्हीं के हाथ से खाएंगी। तो मरियम आपा को फोन करो, उन्हें बुला लो, आ जाएंगी वो। मैं कमरे में जाके मैच देख रहा हूँ, मरियम आपा को फोन करो, आती है तो आ जाए। अच्छा बीजान मैं मरियम आपा को फोन कर रही हूँ, बुलाती हूँ। सॉरी मरियम आपा, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, वो खाना नहीं खा रही है। अब मैं इस वक्त क्या करूं तबस्सुम, कैसे कहूं आबिद से, वो तो पहले करेले चबाए बैठे हैं। जी रात भी बहुत हो गई है ना। अच्छा तुम ऐसे करो, सज्जाद को भेज दो मुझे लेने के लिए। आउट, यस। वो तो मैच देख रहे हैं। हाय, कुर्बान जाऊं मैं अपने भैया के, बस एक क्रिकेट का ही शौक है उसे। अच्छा मैं आबिद को मना कर ना लेकर आती हूँ। शुक्रिया आपा। किस बात का शुक्रिया, कर दी ना गैरों वाली बात। आती हूँ बस अभी थोड़ी देर में, खुदा हाफिज। अरे साहब हमें भी क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन हमारी कोई माओ से ज्यादा प्यार करने वाली बड़ी आपा नहीं थी ना। हमारी किस्मत में मैच देखना कहाँ लिखा है। जले दिल के पपोले फोड़ लिए, तो अब चले। बीजा तबस्सुम के हाथ से खाना नहीं खा रही, मुझे बुला रही है, बहुत मोहब्बत करती है ना मुझसे। अच्छी दीवानी मोहब्बत है, तिगनी का नाच नचाया हुआ है। चलिए
आप जाग गए? पानी चाहिए था, सॉरी मैं रखना भूल गई। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्यों, तुम भी तो कर रही हो। मेरी बात और है सजाद, वापस दे। क्यों, तुम्हारी बात क्यों और है? वैसे मरियम आपा को आज काफी मसला हुआ, आबे भाई का भी मुंह बना हुआ था। उनका मुंह ही ऐसे है। तबो? जी। तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? मुझे सब नजर आता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरे बस में होना तो मैं तुम्हें कुछ ना करने देता। मगर कैसी बातें करते हो, मैं करती ही क्या हूं, घर के काम तो सारी औरतें करती हैं। और बीजान, उनको तो ज्यादा मरियम आपा ही संभालती हैं। मुझे क्या करना होता है, बस रात को ये दो बर्तन धोने होते हैं। बर्तन धुल गए? जी। अब चलें। चलें। सजाद टीवी पे चेक करें कि परसों छुट्टी है इकबाल की या नहीं। अरे भाई अगर होगी तो कल नोटिस मिल जाएगा। चेक तो करें। आदिल साहब, हमारी सोसाइटी में शौहर को मजाजी खुदा कहा जाता है और खुदा तो सजा देने पर कादिर होता है। उस मजाजी खुदा को आप कड़ा बनाकर सजा देंगे और उसकी नकल हरकत पर नजर रखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुआशरे में मर्द का चूड़ी पहनना गाली समझा जाता है, तो आपके ख्याल में सारी सूरत हाल पर मर्द इस इंकलाबी कानून को कबूल कर लेंगे? औरत क्या इंकलाब की बातें करती रहती है, ठीक तरह से तो गाड़ी चलाना आती नहीं है इनको और इंकलाब की बातें करती रहती है। इंकलाब इंकलाब क्या इंकलाब लाएंगी ये? मेरी समझ ये नहीं आ रहा है कि आदिल साहब को औरतों से क्या तकलीफ है जो ये कानून उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो देखना ये है इस सारी सूरत हाल में मर्द इस इंकलाबी कानून को कैसे कबूल करते हैं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। लो भाई, मर्दों की एक ही आशिकी छुट्टियां खींच रहा, वो भी गई। पता नहीं सजाद कैसे कैसे जालिम मर्द और मजलूम औरतें होती हैं इस दुनिया में। ऐसे कानून इनको तहफ्फुज़ देने के लिए तो बनते हैं, वरना मुहसिब घरानों में कहां शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं। ये तो है। ये सिर्फ शौहर और बीवी के लिए तो नहीं है, मर्द किसी भी रिश्ते में अगर किसी औरत पे तशद्दुद करे तो। तुमने क्या तकरीर शुरू कर दी। अच्छा क्रीम लगा लोगी, लाइट ऑफ कर दे। मुझे पता था तुम सुबह दूध जरूर पियोगी, इसीलिए मैंने एक लीटर दूध मंगा के रख लिया था। भाभी वो बस फरीब, तुम्हारे ये डाइटिंग का भूत ना मुझे नहीं समझ में आता। अच्छी भली तो से तुम्हारे भाई साहब फरी की शादी करके जायदाद बांट देते तो। सजाद क्या मतलब है आपका? मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया। Thank you.
बस 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 जागी बीजान, बीजान जरा जल्दी से बच्चों का लंच बना दो, फिर उसके बाद आके आपका मुंह धुलाती। बस बीजान, वो वैन वाला आ जाएगा, हॉर्न बजाएगा, सजाद जाग जाएंगे। बस अच्छा चलिए ठीक है, आप नाराज ना हो, मैं पहले आपका मुंह धुला देती हूँ। उठे उठे शाबाश ये ठीक है। बीजान में पानी लेके आती हूँ, ठीक है। ये ले बीजान, आपका मुंह धुल गया। अब मैं जल्दी से बच्चों का लंच बना लूं, फिर आके आपके बाल बना दूंगी, कपड़े बदल दूंगी, ठीक है? बीजान अभी ना मैंने लंच बनाया है ना बच्चों का नाश्ता, देर हो रही है। बीजान वैन वाला आने वाला है, अभी आती हूँ, एक मिनट बस, अभी आई अभी आई। जोया, बॉबी उठो बेटा, सुबह हो गई, उठो उठो उठो, देर हो जाएगी वरना। चलो सुबह हो गई, पांच मिनट और। नहीं कोई पांच मिनट नहीं, उठो जोया, उठो गुड़िया, मामा उठो, बॉबी उठो, बहन आने वाली है, कोई दो मिनट नहीं, बहन आने वाली है, उठो। और मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे बहुत काम है, चलो उठो, शाबाश उठो उठो। शाबाश, दोनों बच्चे तैयार हो गए, अब मिल्क शेक पियो। नहीं मम्मा बहुत देर हो गई, मैं नहीं पी रही। मैं भी नहीं पी रहा, देखा वैन वाला भी आ गया। तो ये रोज इतनी जल्दी क्यों आ जाता है वैन वाला? बेटा मिल्क शेक तो पीना पड़ेगा, चलो उठाओ तुम भी, चलो मैं वैन वाले से बात करके आती हूँ, खत्म करो। ना बजाएं। अस्सलाम वाजी। वालेकुम सलाम। बच्चों ने स्कूल नहीं जाना क्या? जाना है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए, अभी तो वक्त है। भाजी सारी कॉलोनी के बच्चों को लेना होता है, और जिस तरह आपके बच्चे देर करते हैं, सबके बच्चे देर करते हैं, अब जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने आपको कितनी दफा बताया सबसे पहले ना लिया करें बच्चों को। भाजी मैंने भी कितनी मरतबा कहा कि रूट यही पड़ता है, अब जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। अच्छा आ रहे हैं, जोया बॉबी जल्दी आ, चलो आराम से, चल सब दाफेस, आराम से हाथ बचा के। मुझे पता था तुम सुबह दूध जरूर पियोगी, इसीलिए मैंने एक लीटर दूध मंगा के रख लिया था। भाभी वो बस फरीब, तुम्हारे ये डाइटिंग का भूत ना मुझे नहीं समझ में आता। अच्छी भली तो तुमने कौन सी मॉडलिंग करनी है भाभी रात को? हाँ हाँ मुझे मालूम है, अक्सर लोग कहते हैं कि रात को खाना खा के सो जाओ तो ख्वाब में मुर्दे नजर आते हैं, और तुम दोनों बहनों का तो ये मसला बहुत है। वो तबस्सुम भी तो रोजाना ख्वाब में कुछ ना कुछ देख कर आ जाती है। रोज नहीं भाभी, वो तो उस रात उन्होंने ख्वाब में अम्मी को देखा था, बहुत परेशान थी और बेसनी रोटी खाना चाहती थी। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ऐसे ख्वाब अल्लाह वाला खाकर सो तभी आते हैं। तुमने अच्छा किया जो रात को कुछ नहीं खाया, अब देखो ना माशाल्लाह इतना सारा दूध तुमने एक सांस में पी लिया, मुकम्मल खिजा है। अब अच्छा है ना तुम्हें दोपहर तक भूख नहीं लगेगी।
सेमिनार का टॉपिक पढ़ा है आपने? वुमेन प्रोटेक्शन बिल पर सोशल फीडबैक। जी मैं वही पढ़ रही हूँ। आप करें पार्टिसिपेट? जी मुझे मैम ने कहा है कि ग्रुप डिस्कशन कर लूं और 5 लोगों का ग्रुप बना लूं। अगर आप चाहें तो मैं आपका भी नाम लिखवा सकता हूं। बिल्कुल, मैं इस टॉपिक पे जरूर बात करना चाहूंगी। वेल, बात होनी भी चाहिए। आखिर क्यों और किस वजह से इस बात की मुखालफत की जा रही है? क्या हम मर्द वाकई ही औरतों को मारना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? एज सोसाइटी हम सेडिस्ट हो चुके हैं, या फिर आसान अल्फाजों में कहूं तो हम किसी जहनी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, सवालों के जवाब होने चाहिए। तो फिर मैं काम करता हूं, आपका नाम लिखवा देता हूं। बेहतर है। सलमा अप्पा, आपने तब्बू का क्या रिश्ता कराया था? जिसे मक्खन में से बाल। ऐसा ही कोई रिश्ता इस फरी के लिए भी ढूंढ देना जो इसे काले पानी ले जाए। है तो एक रिश्ता, लड़का ना नेवी में है, बहनें सारी ब्याही थी आई हैं, बड़ा नेवी में और छोटा ना पढ़ रहा है। लड़का नेवी में, इतना चंदन जैसा लड़का इस नकचिड़ी फरी के लिए मंगवाऊं क्या? आगे तो सुनो। अरे बेवा माँ का एक लोता कमाऊ भूत है। क्या कहा? बेवा माँ का इकलौता कमाऊ भूत? हाँ, हमारी मरहुमा नानी कहा करती थी कि बेवा माँ के इकलौते कमाऊ भूत से शादी करने से तो बेहतर है कि लड़की अपने सर पर सेहरा सजाने के बजाय कफन बांध ले। बात तो हजारों की है, ऐसा खींच के रखेगी ना कि याद रखेगी। यहाँ तो 1.5 फुट का मुंह बनाए फिरती है हर वक्त, और भैया जी को हर वक्त फिक्र रहती है मेरी छोटी बहन को क्या हो गया, मेरी छोटी बहन को क्या हो गया। अरे ये तो ऐसी मौत होगी कि देखने वालों को जिंदगी लगेगी। दुनिया तो यही कहेगी कि एक बेवा सास है और एक छोटा देवर। सास तो हमारी तब्बू की भी है, कैसे नाक में दम करके रखती है, न जी सकती है न मर सकती है। और ये सास तो ऐसा करेगी कि मियाँ मरने नहीं देगा और सास जीने नहीं देगी। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। शुक्र है रजिया तुम आज टाइम पे आ गई। लो बाजी, मैं तो रोज ही टाइम पर आती हूँ, वरना इतने सारे काम कैसे हो आपके? बाजी आपने सालन पका दिया है? हाँ पका दिया है। अच्छा सुनो, बीजान को खाना दे देना, ठीक है? फिर सफाई कर लेना, मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, जब बच्चे स्कूल से उनको खाना भी दे देना। सुना मैंने क्या कहा? हाँ जी बाजी सुना, बिल्कुल सुना। हेलो, हाँ भाई नजीर, आज पप्पे के घर मिलाद है। हाँ मैं टाइम पे आ जाऊंगी। सजाद, सजाद प्लीज उठे ना, सोने दो ना यार। प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ आए ना, वो फ्लाईओवर की वजह से दूसरा रूट लेना पड़ेगा, देर हो जाएगी। बड़ा मसला है, जल्दी उठना पड़ता है सुबह सुबह। रजिया आ गई? हाँ आ गई है। और आपके कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिए, प्लीज उठ जाना। यार कभी कभी दिल चाहता है मुलाजमत छोड़ के ना अपना बिजनेस शुरू कर, जब जी चाहे सोता रहो, जब जी चाहे जाओ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में अपना बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। से तुम्हारे भाई साहब फरी की शादी करके जायदाद बांट देते तो? सजाद क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूं। अरे रजिया को तो मैं आपकी चाय का कहना भूल ही गई, और कहे बगैर वो कोई काम करती भी नहीं है। रजिया, रजिया सच बोलो तो दुनिया नाराज हो जाती है। तुम अपने लिए एक अलग गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेती? हाँ खरीद लूंगी। मैंने तो अम्मी को पहले ही कह दिया था कि चाहे मुझे जहेज में कुछ ना दें मगर गाड़ी जरूर दें। बहुत अच्छा किया था। और आज जो तुम लेट आई हो, जमील साहब का मुंह है कि फूलता चला जा रहा है, अभी भी बहुत कुछ सुना कर गए हैं। लेकिन शाजिया मुझसे तो कुछ नहीं कहते। मुझे तो कहते हैं ताकि मैं तुम्हें बता दिया करूं, और वो भी बुरे ना बने। अच्छा
बड़ी औरतों वाली सियासत करते हैं जमील साहब। वो तो है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे तुम? वालेकुम सलाम, कैसी हो परी? ठीक हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी बहन है ना? हाँ। परी बैठो। नहीं नहीं बाजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। एक घंटे के लिए ऑफ ले सकती हैं? सुनो शाजिया, जरा जमील साहब को कह दूंगी कि मैं एक घंटे की लीव पे जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। देख लो, वो फिर बोलेंगे कि तुम। प्लीज संभाल लेना, अभी आ रही हूँ। दरअसल इन दोनों बहनों को ना मुझसे मसले हो गए। तबस्सुम की सास के मसाइल की वजह से जो तलखी पैदा हो रही है वो यहाँ लाना चाहती है। अब अम्मी जान तो है नहीं, तो ख्वाब में बुला लिया। आप खवातीन की यही बात सबसे बुरी है कि आपको करनी होती है मर्द की बराबरी, लेकिन काम के मामले में सारे मसाइल औरतों वाले आ जाते हैं। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया। बुजुर्गो, आपने भी गाना सुनना है? था तेरे की रजिया, आज तो तेरा जीजामा आना था, तू कैसे भूल गई? मकान का किराया तो बहुत ज्यादा है। मल्ला बड़ा कुमार, आपको कहीं पहले देखा हुआ? रोज देखते हैं आप मुझे टिकटिकी लगा के। ओह माय गॉड, आप मेरे पड़ोसन? चला तो मैं अपनी समधन से मिलवाऊं। बिना वजह मिलकर क्या करेंगे गोले गंडे से? चम्मी तुम? गुल्ली तुम? चम्मी गुल्ली, तुम जानती हो हमेशा से तुम्हारी मोहब्बत में डूबा। सबा जी बहुत देर तक वेट करती रही मैं आपका। सॉरी फरी, मैं वीकेंड पे नहीं आ सकी। बीजान का मूड आजकल बहुत खराब रहता है, सारा घर उठा लेती है सब। आपको पता है भाभी को आपकी वो वाली बात बुरी लग गई जो आपने कहा था ना, अम्मी जान की न्याज दिलवा दे। वो जो मैंने ख्वाब देखा था वो? उस तब से मूड ऑफ है उनका, खाने पे नहीं बुलाती, और अगर मैं खुद चली जाऊं तो डोंगा उठा के साइड पे रख देती है। आपको तो उनके अंदाज का पता ही है। तुमने भाईजान को बताया? क्या बताती, बात पकड़ में आने वाली हो तो कहूँ ना। आप जानती हैं भाईजान को? हाँ जानती हूँ, इन हालात में कहा भी क्या जा सकता है। तुमने कब से कुछ नहीं खाया? सुबह को नाश्ता किया था, लेकिन ये बर्गर बहुत अच्छा। नाश्ते में क्या? आधा ग्लास दूध का था। और रात को? अम्मी अबू हमें ऐसे छोड़ के क्यों चले गए? अच्छा ज्यादा हीरोइन ना बने, तुम खुद भी तो एक तमाशा हो। अगर भाभी खाने पे नहीं बुलाती तो खुद चली जाया करो, और ना खुद बना लिया करो, कौन सी बड़ी बात है। फरी भाभियां होती ही ऐसी हैं। मेरी नन से पूछो जाके कि उनकी भाभी कैसी है, पता है क्या कहेंगी? जालिम। चलो खत्म करो।
रऊफ साहब, आपने ही बोला था कि घर के मामले में कहा करो, इसीलिए कह रही हूं, वरना तो मैंने अपने मुंह पे उंगली रखी भी है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, लेकिन मैं आज भी वैसी ही चुप रहती हूँ जैसे कल की बेहाई। भाई लगते भी तो नौ पे आता ही हो ना। छोड़ो, क्या हुआ? उस रोज तबस्सुम आई थी, घुमा घुमा कर इस कदर बातें सुनाई कि अम्मी मरने के बाद तकलीफ में है, न्याजी दिला दिया करे। उसे कैसे मालूम कि अम्मी जान तकलीफ में है मरने के बाद? आप बहुत सादा है, जाहिर सी बात है, हमें जज्बाती कर रही है, खुद ही दिलवा देना, ख्वाब में भी तो खुद ही देखा है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। उनके कहने पर फरीका भी मिजाज बिगड़ गया है, खाना तो घर शाजी खाती है। फिर कहाँ खाती है? मुझे क्या मालूम, आप ही पढ़ा रहे, एमए करा रहे, मैंने तो आपको कहा था कि शादी करा दें, पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लेंगी, तबस्सुम की तरह नौकरी करेंगी और सास की चाकरी। दरअसल इन दोनों बहनों को ना मुझसे मसले हो गए, तबस्सुम की सास के मसाइल की वजह से जो तलखी पैदा हो रही है वो यहाँ लाना चाहती है। अब अम्मी जान तो है नहीं, तो ख्वाब में बुला लिया। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि तबस्सुम अम्मी जान से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए उनका जिक्र करती है। तुम दिल बुरा ना करो। मैं जरा दोपहर का खाना देख लूं, मेरी कौन सी भावच बैठी हुई है जो मेरे लिए दस्तरखान लगा देगी। रजिया, रजिया खाना। अस्सलाम वालेकुम दादो। अस्सलाम वालेकुम दादो। तुम्हें पता है आज मैंने ब्रेक में लंच तो नहीं किया, सारा का सारा ऑमलेट जला हुआ था। हाँ मेरा भी। पागल, एक ही ऑमलेट था, मम्मा ने आधा आधा करके दिया हुआ था, आधा मेरे सैंडविच में था, आधा तुम्हारे सैंडविच में था। रजिया खाना। खाना तो जी मैंने कप का लगा दिया, आप पहले यूनिफॉर्म दे मैं धो लूं। नहीं पहले हम खाना खाएंगे। पहले यूनिफॉर्म, मुझे काम खत्म करना है अपना। नहीं पहले हम खाना खाएंगे, और तुम नुकरानी हो, जो मैं बोलूं वो करो। अरे वाह, नुकरानी हूँ मैं, जो मैं बोलूं वो करो, क्यों करूं? ना करो बॉबी मम्मा डांटेंगी। सोया ये नुकरानी है, जो मैं बोलूं वो ये करे। हाँ जी नुकरानी हूँ मैं, आपकी बीवी नहीं हूँ जो आप मुझे डांट रहे हैं। चुप करके खाना खा ले, बहुत जी से तो आज मैंने शिकायत लगानी ही लगानी है। लगा देना। ये क्या है? भिंडी। खाने भिंडी, बोटी नहीं है। आपकी मामा पका के गई है, मुझे क्या पता। मुझे नहीं खानी है भिंडी। मुझे भी नहीं खानी। ना खानी तो ना खाओ। आपको क्या हो गया बुजुर्गो, क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। क्या खाना खाओ। ये क्या किया बुजुर्गो, चंगे पागल खाने आ गई हूं मैं। बुजुर्गो मैं आपकी बहू नहीं हूं जो इतने औखे हो रहे हो। खाने खाओ, नहीं खाना ना खाओ, बैठे रहो सारे के सारे भूखे। सफाई अलग करनी पड़ेगी मुझे अब। आज मैं जल्दी चली जाऊंगी। भाई मुझे भी शाजिया ड्रॉप कर दो। तुम जमील साहब से पूछ लो, वो वैसे ही गुस्से में बैठे हैं। क्यों? तुम पहले भी चली गई थी, फिर जल्दी जाओगी। लेकिन मेरा काम तो खत्म हो गया। तुम जमील साहब से पूछ लो, मैं ये इंतजार कर लेती हूँ तुम्हारा। अच्छा ठीक है जी, आइए। सर वो मिस शाजिया आज जरा जल्दी जा रही हैं। जी मालूम है मुझे। असल में वो मुझे घर ड्रॉप करती हैं, तो क्या मैं भी आज। आप सुबह लेट आती हैं क्योंकि आपके हस्बैंड ड्रॉप करते हैं आपको, सारा दिन आपके भाई बहन आते हैं यहाँ पर, और इस वक्त शाम को आपको जल्दी जाना है।
क्यों? सॉरी सर, कल से लेट नहीं आऊंगी। लेकिन जाऊंगी जल्दी। हाँ सर, वो मेरे बच्चे घर में अकेले होते हैं और मेरी जो सास है। आप खवातीन की यही बात सबसे बुरी है कि आपको करनी होती है मर्द की बराबरी, लेकिन काम के मामले में सारे मसाइल औरतों वाले आ जाते हैं। आपके शौहर के भी तो बच्चे हैं, आपकी सास उनकी भी तो मां है, वो क्यों नहीं जल्दी छुट्टी करते हैं?